हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन आरके इंग्लिश क्लासेज। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिगर्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे, उनके प्रकार, उनके डेफिनेशन और उनके एग्जांपल को भलीभांति समझेंगे। सो डियर स्टूडेंट, विदाउट डिले वी शुड स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो सबसे पहले बच्चों, आइए हम फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में हम अलंकार कहते हैं, इसके ही डेफिनेशन को जान लें। तो ये फिगर ऑफ स्पीच वर्क्स एज एन ऑर्नामेंट, इट इंक्रीजेज द ब्यूटी ऑफ पोएट्री। बच्चों, अलंकार क्या है? आभूषण की तरह होता है और ये काव्य की शोभा को बढ़ा देता है। सो डियर स्टूडेंट, अब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। तो बच्चों, क्लास ट्वेल्थ में जो फिगर ऑफ स्पीच है, उस 7 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बोर्ड ने प्रिस्क्राइब कर रखा है। तो आइए हम सबसे पहले इनके नाम को जानें, हिंदी जानें और फिर एक एक करके हम डिटेल में सबके बारे में डेफिनेशन और एग्जांपल को समझें। सो माय डियर स्टूडेंट, जो पहला अलंकार है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, जिसकी हिंदी बनती है बच्चों उपमा अलंकार। दूसरा है मेटाफर, जिसको हिंदी में हम रूपक अलंकार कहते हैं। थर्ड है परसोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में हम मानवीकरण कहते हैं। नंबर 4 है एपोस्ट्रॉफी, बच्चों इसकी हिंदी संबोधन अलंकार। नंबर 5 हाइपरबोल, जिसकी हिंदी अतिशयोक्त अलंकार। नाउ सी अलंकार नंबर 6, जिसको हम ऑक्सीमोरन कहते हैं, हिंदी में बच्चों बनेगा विरोधाभास अलंकार। और जो लास्ट होगा बच्चों, 7वां अलंकार ओनोमाटोपोइया, जिसकी हिंदी बच्चों ध्वनि सूचक अलंकार। सो डियर स्टूडेंट, आइए हम एक एक के बारे में उनके डेफिनेशन को, उनके एग्जांपल को भलीभांति समझें। सो माय डियर स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आरके इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो डियर स्टूडेंट, आइए हम सबसे पहले सिमिली फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानें। तो बच्चों, जो इसका डेफिनेशन बनेगा, इन ए सिमिली ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन एंड वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक सो एंड एज आर यूज्ड इन इट। सो डियर स्टूडेंट, इसका हिंदी क्या बनेगा? उपमा अलंकार में दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है, जिसमें कम से कम एक गुण की समानता हो, विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। और इसमें बच्चों जो तुलनात्मक शब्द होते हैं, लाइक सो एंड एज का प्रयोग किया जाता है तुलना करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट, आइए हम इसके एग्जांपल को समझें। फर्स्ट एग्जांपल है लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। बच्चों, यहाँ लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, लाइफ की तुलना ड्रीम से की गई है। हिंदी बनेगा जीवन एक सपने की तरह है। दूसरा, डियर स्टूडेंट, वर्ड्स आर लाइक लीव्स, शब्द पत्तियों की तरह होते हैं। और तीसरा है बच्चों, बहुत ही फेमस लाइन है, आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं क्लाउड की तरह अकेला वांडर्ड किया, मैं बादलों की तरह अकेला टहला। सो डियर स्टूडेंट, ये इंटरमीडिएट में आएगा तो आप सभी को किसी एक का डेफिनेशन पूछा जाएगा और साथ ही साथ कहा जाएगा कि इसके नीचे जो है आप 2 एग्जांपल देकर सिद्ध करें। तो आई होप आपको सिमिली भली भांत समझ में आ गया होगा। आइए स्टूडेंट, हम दूसरा फिगर ऑफ स्पीच देखें, जिसका नाम है मेटाफर और बच्चों हिंदी में रूपक अलंकार। तो आइए बच्चों, हम मेटाफर की परिभाषा को जानें। इन ए मेटाफर टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन सो लाइक एंड एज आर नाट यूज्ड इन इट एट ऑल। माई डियर स्टूडेंट, इसकी हिंदी क्या बनेगी? कि रूपक अलंकार में भी दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है, किंतु बस इसमें एक चीज़ देखना है कि तुलनात्मक शब्द जो लाइक और सो एज है, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन शब्दों के बिना ही हम तुलना करते हैं, डायरेक्ट जो है चीज़ों की तुलना कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, लाइफ इज ए ड्रीम,
अर्थात बच्चों जीवन एक सपना है, डायरेक्ट कहा गया। यहाँ भी तुलना हो रही है जीवन और ड्रीम से, किंतु हमें तुलनात्मक शब्द नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसे हम मेटाफर के अंतर्गत रखेंगे। सी द सेकेंड एग्जाम्पल, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, अर्थात बच्चों जीवन फूलों की सेज नहीं है, अर्थात जीवन की तुलना बेड ऑफ रोजेज से की गई है। तो यहाँ भी बच्चों मेटाफर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, डायरेक्ट लाइफ को हम बेड ऑफ रोजेज से तुलना कर रहे हैं। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर थ्री, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, अर्थात बच्चों जो कैमल होता है, ऊँट होता है, वो डेजर्ट का शिप कहलाता है, अर्थात कैमल की तुलना रेगिस्तान के जहाज से की गई है। तो बच्चों यहाँ भी हम बहुत ही सुंदर मेटाफर का एग्जाम्पल देखते हैं। आइए बच्चों हम अगले टाइप्स के बारे में समझें, जिसका नाम है परसोनिफिकेशन। बच्चों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट अलंकार है, तो सबसे पहले बच्चों आइए हम परसोनिफिकेशन के डेफिनेशन को जानें। इन परसोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर प्रेजेंटेड एज पर्संस हैविंग लाइफ। बच्चों इसकी हिंदी क्या बनेगी कि जो परसोनिफिकेशन अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, इसमें क्या होता है, निर्जीव वस्तुओं तथा विचारों को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे उसमें लाइफ हो, अर्थात निर्जीव वस्तुओं तथा विचारों को हम सजीव मान लेते हैं परसोनिफिकेशन अलंकार में। जैसा कि बच्चों उदाहरण से स्पष्ट है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अर्थात बच्चों अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक होता है। तो अनुभव को हम क्या मान रहे हैं कि जैसे कोई जो है लिविंग बीइंग हो, और जो कि एक लाइफलेस थिंग है। बच्चों दूसरा एग्जांपल, लव इज ब्लाइंड, अर्थात प्रेम अंधा होता है। लव बच्चों क्या एक फीलिंग है, एक निर्जीव चीज़ है, इसको हम ऐसा कह रहे हैं जैसे इसमें जीवन हो। तो बच्चों ये भी परसोनिफिकेशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर थ्री, ए लाई हैज नो लेग्स, मीन्स बच्चों झूठ के पैर नहीं होते। तो बच्चों झूठ क्या है, एक निर्जीव विचार है, इसको हम ऐसा रख रहे हैं कि जैसे इसमें जान हो। तो बच्चों ये तीनों एग्जाम्पल परसोनिफिकेशन के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं, आप इसको भली भांत रटिए। तो बच्चों इसी के साथ आई होप आपको ये तीनों अलंकार के बारे में समझ में आया होगा। इसका दूसरा पार्ट हम अगली बार बनाएंगे, जिसमें हम जो बचे हुए चार अलंकार हैं उनका जिक्र करेंगे। इसी के साथ बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।